तो पहले के बारे में बताओ, जब तुम टीवी सीरियल्स करती थी तो वो टाइम पे मतलब कितना, मतलब शूट के लिए कितना कितने टाइम का प्रोसेस रहता था? मतलब सुबह जाती थी और कितना दिन, पूरा पूरा दिन शूट होता था, फिर रात में कब आती थी? हाँ, क्या पूरा शूटिंग के जो जवाब शूट्स दो। होते हैं। हाँ, अरे कैसा, मतलब 2 सेकंड रुकोगे कि नहीं? 12 घंटे का शूट होता था, क्योंकि हेयर मेकअप के करवाना होता था तो आधा घंटा पहले जाना होता था। तो सपोज 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो 8:30 बजे का कॉल टाइम होता था। 8:30 बजे जाती थी, 9 बजे से शूट होता था रात के 9 बजे तक। कभी कभी लेट भी हो जाता था और फिर घर पे आना होता था। तो पूरा आई थिंक हर चीज मिला के कुछ 14 आवर्स एवरी डे का काम होता था वो। तो ये कितने साल का प्रोसेस था? ये था कुछ 10 साल का प्रोसेस। 10 साल का प्रोसेस था, 10 साल मतलब एक शो किया, फिर वो बंद हुआ, फिर दूसरा शो किया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर दो मतलब साल बैक फिर टू बैक शो बंद शूट, कर दिया। कंटिन्यू शूट हुआ। हाँ, और फिर उसके बीच में पढ़ाई भी। हाँ, स्कूल अच्छा, भी, पढ़ाई भी? और अच्छा, नहीं तुम तो क्या। स्कूल में जाती थी तो तुम्हें बच्चे लोग पकड़ते नहीं थे, मतलब तुम्हारे हिसाब से फ्रेंड्स लोग वो टाइम पे, स्कूल टाइम पे? स्कूल टाइम पे स्कूल स्कूल जाती थी ना तुम, कि घर पे बैठ के जाती एग्जाम दो? जाती थी ना, तो तुम्हें स्कूल में बच्चे लोग पकड़ते नहीं थे? अरे, आप तो सीरियल वाली हो, सीरियल में आती हो। पकड़ते थे बहुत। हाँ, वैसे मैं बहुत कम जा पाती थी स्कूल, और एग्जाम भी होता था तो पहले मैं चली जाती थी, एग्जाम दे देती थी, फिर शूट पे चली जाती थी। तो इतना नहीं होता था क्योंकि मैं बचपन से एक ही स्कूल में बड़ी अच्छा, हूँ, तो एक ही ये जब स्टैंडर्ड। शूटिंग के टाइम पे तुमको टाइम मिलता था पढ़ाई का? हाँ, मतलब टाइम निकालना पड़ता था, मिलता तो इतना नहीं था। और जब दूसरा सीन लगता है या लाइटिंग होती है ये ऐसा वो था टाइम कि एक होता हाथ है में ना। स्क्रिप्ट रहती थी और एक हाथ में बुक रहती थी? हाँ नहीं, मम्मी पढ़ाती थी, मम्मी पढ़ाती थी मुझे, मम्मी पढ़ाती थी? मम्मी पढ़ाती थी। मैं कभी ट्यूशन नहीं गया, सिर्फ 10th मैंने ट्यूशन किया था, उसके पहले मम्मी। और मुझे आदत थी कि मम्मी आंसर रीड करके मुझे याद करेंगी तो ही मैं याद करूंगी, जो वैसी तो मुझे मुझे भी आदत है, थी। जो क्या आती मुझे भी इसको है। भी लग गई वो आदत, तो मुझसे ज्यादा और आज ज्यादा तो हम लोग की एग्जाम की टेंशन मम्मी को रहती थी, क्योंकि मम्मी को याद कराना होता था। तो उसके लिए पहले मम्मी को याद करना पड़ता था, उसके बाद मुझे याद कराना पड़ता था। मतलब है मुझे तो सिचुएशन। मतलब मैं बहुत वीक था पढ़ाई में, और 11th 12th में आके तो मैंने सोच लिया था कि मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही वीक था और पढ़ाई तो होती नहीं थी, और थोड़ी बहुत कॉपी भी करता था यहाँ वहां से पूछ उछ के। फिर कॉपी मैंने आज तक नहीं की मैंने कॉपी क्योंकि किया, मुझे क्योंकि बहुत डर और लगता मैं ना हमेशा यही सोच के जाता था कि कॉपी नहीं करूंगा, हमेशा यही सोच के जाता था कॉपी नहीं करूंगा, मगर एंड में यही होता था कि ना मैं कॉपी कर लेता था, क्योंकि मैं घबरा जाता था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मगर मैंने कैसे भी करके 13 के बाद से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई पे पूरा फोकस किया, कैसे कैसे करके मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छे